जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। भाभी के ताने सुन सुन कर तंग आ चुका वीरेन नया घर खरीद लेता है। पड़ोसन मिसेज खन्ना मधु को आकर बताती है कि उस घर में किसी मिस्टर परेरा का खून हो चुका था, और फिर शुरू हुआ भूत का सिलसिला। जब भी मधु घर में अकेली होती, भूत आकर उसे डराता। इन हालात में मधु डरी डरी और परेशान रहने लगती है। सैम डिसिल्वा तहकीकात शुरू करता है तो उसे चौकीदार से पता चलता है कि नीचे वाला घर पिछले 6 साल से बंद पड़ा है और वहाँ कोई मिसेज खन्ना नहीं रहती। सैम डिसिल्वा और वीरेन के बहुत समझाने के बावजूद मधु इस बात को मानने से इनकार करती है कि भूत वूत नहीं है। अब आगे। पागल खाने ले जाओगे मुझे? हाँ? नहीं, नहीं, नहीं। मधु, मधु, मधु कंट्रोल, चुप। बात हो गया मधु, चुप। आराम से, आहिस्ता, आहिस्ता। सैम, जरा मेरे साथ आओ। देखो मेरी बात सुनो। देखो मुझे लगता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, लड़की ठीक कह रही है। क्या कह रही है? ये गुड़िया तुम्हें याद है? ये जादू टोने वाली गुड़िया। मुझे पक्का यकीन है कि मैं इसकी सुई घुमाऊंगा तो देखना जरूर से कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये देखो। नहीं, नहीं, देखा तुमने? एक एक बार, एक बार और देखो। मधु, 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 कंट्रोल योरसेल्फ। अपने आप को कंट्रोल करो, समझी? तुम्हारी वजह से मैं बच्चों को भी भैया के पास छोड़ आया हूँ। डरने जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आज का दिन अब से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात भी नहीं कह रहा हूँ, आप दिल में ये धार लीजिए कोई भूत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको भूत नजर आए तो हम आपके साथ हैं। प्लीज आप कोशिश करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, प्लीज। हाँ, लुक आफ्टर हर। मधु, 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 उनका वक्त बर्बाद मत करो, और भी काम है उनको। है? अच्छा, मत जाने दो उनको। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मायके छोड़ूंगा, बस ठीक है? प्रॉमिस, प्रॉमिस। अच्छा, अब जाके सब बैठो। तुम मुझे मायके छोड़ाओगे ना? अब मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। सुबह पहली गाड़ी से मुझे छोड़ाओ। ठीक है, तुम अपनी तैयारी कर लो। हम लोग पैकिंग करें। मैं जरा दफ्तर के अभी आता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, वो फिर आ जाएगा। मधु, मुझे अर्जी देनी है छुट्टी के लिए। छुट्टी लिए मैं कैसे जा सकता हूँ? ये मेरी नौकरी का सवाल है मधु। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया, बस। हा? जल्दी आना।
हेलो हेलो चावला साहब हैं? वो नहीं है। नहीं है, कहाँ गए वो? अभी तक तो घर नहीं आए। बिल्कुल इत्मीनान रखिए, बिल्कुल इत्मीनान रखिए। चलिए बाहर चल के बैठते हैं। देखा ना? हाँ मैंने देखा, लेकिन आपने देखा कैसे भूत मेरे डर से भाग गया है? बिल्कुल, जो भी डर है आपके दिल में उसको उठा के फेंक दीजिए। अब तो सारी बात मेरी समझ में आ गई, सारी के सारी मेरी समझ में आ गई। मधु क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं आप नहीं जानते? नहीं मैं नहीं जानता। आप वाकई नहीं जानते? नहीं मैं कुछ नहीं जानता। चारवा साहब मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि इनको जब जब भी भूत नजर आता आप घर में नहीं होते? अब मुझे यानी कि इनको फिर से भूत नजर आया? जी हाँ, इनको भूत नजर आया क्योंकि भूत है, और भूत आज मुझे भी नजर आया। अच्छा। और बहुत जल्द वो आपको भी नजर आएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि आप भी किसी ना किसी तरह इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं चावला साहब। मैं इस कहानी से जुड़ा हूँ? जी हाँ, बात आपकी समझ में आएगी। मैं कुछ समझा नहीं। आज समझ में आएगी, समझ में आएगी। जी हाँ आएगी, नहीं आ गई है। कैसे आ गई? मुड़ के देखिए। ये तो आपकी पड़ोसन मिसेस खन्ना। हाँ, यही तो है, लेकिन उस फ्लैट में तो 6 साल से ताला। जी हाँ, फ्लैट में 6 साल से ताला लगा हुआ है, जिस ताले की चाबी मिसेस खन्ना के पास रहती है। लेकिन एक दूसरा भी ताला है इस कहानी का, जिसकी चाबी मेरे पास है, और मैं धीरे धीरे उसको खोल के आपको समझाता हूँ, सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। चावला साहब जी, ये घर आपको कैसे मिला? आपको किसी एस्टेट एजेंट ने फोन किया? जी हाँ, फोन इन्होंने करवाया था, क्योंकि नीचे वाले घर की चाबी इनके पास रहती थी, और ये जानती थी कि इस घर में मिस्टर परेरा का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल हो चुका है, और लोग इसको हॉन्टेड हाउस मानते हैं, और ये चाहती थी कि आप उस नीचे वाले घर के ऊपर वाले घर में आके बस जाएं। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, जब भी भूत आपको नजर आता था उससे पहले क्या होता था घर में? कुर्सियां हिलती थी और आप समझती थी कि भूत उनको हिलाता है, लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। इसलिए सुबह जब मैं आपको छोड़ के गया तो मेरा दिमाग चल रहा था, मैं सोच रहा था ये कुर्सियां कैसे हिलती हैं। कुर्सियों के नीचे फर्श है, फर्श के नीचे वो घर है जो 6 साल से बंद है। इसलिए गोपी और भिंडे को लेकर चोरों की तरह मैं पिछली खिड़की से उस घर में घुस गया, और अंधेरे में हम लोग इंतजार करने लगे। जैसे कि मुझे उम्मीद थी, रात होते ही धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। गो
गोपी जी ये कुर्सी ही दिखाते रहेंगे कि मुखड़ा भी दिखाएंगे। थैंक यू, बस बस बस। मिस्टर मिसेस चावला, जैसे दुल्हन के साथ दहेज मिलता है वैसे ही इस घर के साथ आपको ये कुर्सी मिलेगी। जरा सोचिए कि लकड़ी की कुर्सी के नीचे ये लोहा क्यों लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा कि चुंबक लोहे को खींचता है, तो नीचे वाले घर में एक चुंबक था जो कि इस लोहे को खींचता, वो इधर चलता था तो कुर्सी इधर चलती थी, वो इधर चलता था कुर्सी इधर चलती थी। और ये चुंबक कौन हिलाता था? मिसेस खन्ना। ओके मिसेस खन्ना, यू आर अंडर अरेस्ट। गोपी भिंडे, गोपी तुम्हें इन्हें संभाले, भिंडे तुम बाहर फेरा दो, मैं ऊपर जाता हूं। ओके एलना, नहीं वैसे चुंबक की जरूरत क्या थी? आप ये आंखें हिला देती तो कुर्सियां क्या सारा घर हिल जाता। ओ, मैं हिल गया। मिस्टर चावला जी, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, मैंने सुना है ये मिसेस खन्ना है। अगर मैं कहूं कि ये मिसेस नहीं है मिस है, तो आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं, फिर मैं नहीं जानता इनको। तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना तुमने मुझे? क्या कर रही? मुझे नहीं पहचाना? हाँ? रीटा, रीटा खत्री, जिसकी एक जमाने में आपके साथ शादी होने वाली थी और इसके घर वाले आपको लड़की दिखाने भी लाए थे। यस। जितना दहेज चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी बेटी की शादी हो जाए। जी बस हम भी यही चाहते हैं कि वीरेन की शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। तो मैं ये शादी पक्की समझूं? ये लीजिए लड्डू खाइए। ये बात सही है, लेकिन फिर मेरे भैया ने बताया कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं? नो 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 रीटा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने इन्होंने मुझसे शादी नहीं की, इसीलिए आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। क्या कमी थी मुझमें? हमारा इतना अमीर घराना, लेकिन कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि इन्होंने बिरादरी में बात फैला दी कि मैं पागल हूँ, इसीलिए इन्होंने सगाई तोड़ दी है और आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। मेरे पिताजी को भी धीरे धीरे लगने लगा कि मैं पागल हूँ, मुझे पागलखाने भिजवा दिया। लेकिन वहाँ पड़े पड़े मैं एक ही बात सोचती गई कि बाहर निकलने के बाद मैं बदला लूंगी। लेकिन जब आप बाहर आई तो आपको पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है, और शादी ही नहीं इनके दो बच्चे भी हैं और इन्हें एक घर की तलाश है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अगर होती तो इतनी चालाकी से इन्हें ये घर दिलवा पाती। नहीं नहीं नहीं, आप पागल नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपने इन्हें ये घर दिलवाया, और जब भी आप देखते हैं कि ये घर में नहीं है, आप इनके घर में आती और पहली ही मुलाकात में आपने इन्हें बताया। हाँ, यहाँ पर एक क्रिस्टियन फैमिली रहती थी, जॉन परेरा और उसकी बीवी और बच्चा। जॉन का खून हो गया था और उसकी बीवी और बच्चा घर छोड़कर चले गए। अब भी यहाँ न कोई किराएदार रहने को तैयार और न कोई मकान खरीदने को, इसीलिए मकान मालिक ने घर के दाम भी कम कर दिए और फिर आप आ गए। उसके बाद नीचे वाले घर में ले जाकर आपने पुराने अखबार में एक तस्वीर दिखाई और कहा कि ये जॉन परेरा की तस्वीर है। अगले दिन वो तस्वीर वाला आदमी इन्हें टब में दिखाई दिया और शुरू हुआ भूत का सिलसिला। अचानक कुर्सियों का अपने आप चलना, और भूत का पिंकी को उठा ले जाने की कोशिश करना, और चौकीदार का कहना कि यह घर 6 साल से बंद है। यह घर तो पिछले 6 साल से बंद है। यह सब करने का आपका मकसद सिर्फ इतना था कि आप इन्हें पागल बना देना चाहती थी। ये भूत भूत करती रहे, कोई इन पर विश्वास न करे और डॉक्टर आपकी तरह इन्हें भी पागलखाने भिजवा दे। ये होते होते रह गया। इनका दिमागी संतुलन तो बिगड़ने वाला था कि अचानक हमें एक चाल सूझ गई और हमने नहीं नहीं मधु जी, भूत नहीं, बिल्कुल भूत नहीं, इंसान है। तत्काल
देखा आपने? अब इसलिए दिखा? देखा आपने, नकली दांत वाला नकली भूत, लेकिन जो गोली मैंने चलाई थी वो असली थी। पर अगर ये भूत होता असली तो गोली हवा में निकल जाती, लेकिन इसको लगी है। ये देखिए, गोली लगी है। लेकिन जॉन परेरा तो मर चुका है, इसकी बीवी ने भी आपसे यही कहा था, फिर ये जिंदा कैसे? यही तो बात है। अब देखिए इस औरत की चालाकी, इसे कहते हैं ऑब्सेसिव माइंड। याद कीजिए, सबसे पहले जॉन परेरा की तस्वीर आपको किसने दिखाई थी? ये है जॉन परेरा, इसका खून हुआ था यहाँ। जो तस्वीर आपको दिखाई गई थी वो जॉन परेरा की नहीं थी, इसकी थी, ताकि जब आप इसको देखें तो इसको आप भूत समझें। बड़े का टट्टू, क्यों रे, कितने पैसे दिए गए थे तुझे भूत बनने के लिए? 50,000। 50,000 रुपए का भूत। अब आपको मैं दिखाऊं, आप जॉन परेरा की अगर तस्वीर देखना चाहें, जॉन परेरा की असली तस्वीर ये है, गौर से देखिए इसे। असली जॉन परेरा ये है, वो नहीं, और ये हॉन्टेड हाउस नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं, और ये आपकी पड़ोसन मिसेज खन्ना नहीं। और मैं पागल नहीं? अगर आप पागल नहीं तो मैं गोपी नहीं, और ये सैम नहीं। नहीं 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 गोपी, ये कौन है, इन्होंने क्या किया है, इसका फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर भिंडे, इन्हें ले जाइए। अबे वो भूत, यहां से हिलना नहीं, वरना गोली मार दूंगा, समझा? चलो चलो। सैम, यहाँ तो जिंदा भूत है। फिर तूने भूत की बात की? सॉरी। देखो गोपी, फ्यूचर में यानी भविष्य में कभी भूत नजर आए ना, तो उससे डरना नहीं, तो झपटना उसके ऊपर और पकड़ लेना। लेकिन अगर भूत असली हो तो? असली हो तो दुम दबाकर भाग जाना। दुनिया में भूत होते हैं या नहीं, ये बात तो सदियों से चलती आई है और चलती रहेगी। इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आप सबका आज धन्यवाद करने। तहकीकात का लेखक, निर्माता और निर्देशक होने के नाते मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज तहकीकात को आप सबके सामने आए दूरदर्शन पर पूरा एक साल हो गया। जी हाँ, आज हमारा 50th एपिसोड यानी कि 50वां एपिसोड था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सीरियल को सराहा, इतना साथ दिया। एक और बात, अगले हफ्ते तहकीकात देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज तक जो तहकीकात में नहीं हुआ वो अगले हफ्ते होने जा रहा है। सोचिए क्या। थैंक यू।